आरंभ ही प्रचंड गणेश चतुर्थी रे नुआ संसद भवन रे मोदी सरकार धमाकेदार आरंभ करिछन्ते। स्वतंत्र अधिवेशन रो द्वितीय दिन रे 27 वर्ष धरि अटक रहिथिबा महिला संरक्षण बिल आगत होईछि। केंद्र आईन मंत्री अर्जुन राम मेघावाल 128 तम संविधान संशोधन बिल नारी शक्ति बंधन बिल उपस्थापन करथिले। आसंता काली ए बिल उपरे वितर्क हेबो। गुरुवार ए बिल पारित हेबार संभावना रहिछि। सोमवार केंद्र कैबिनेट बिल उपरे मोहर लगाइथिला। पीएम मोदी महिला संरक्षण बिल को नारी शक्ति बंधन बिल ना देइछन्ति। ए बिल अनुजाई लोकसभा एवं राज्यर विधानसभा रे महिलांका लागि 33% संरक्षण व्यवस्था लागू हेबो। 33% ए फार्मूला अनुजाई लोकसभा रे 543 आसन रु 181 आसन महिलांका लागि संरक्षित रहिबो। ए बिल जरिया रे गणतंत्र आहुरी मजबूत हेबो। आजि थला भारतर गणतंत्र यात्रार ऐतिहासिक दिवस। पुरुणा पार्लियामेंट को विदाय दे नुवा पार्लियामेंट रे गृह प्रवेश होईछि। तेब आ पूर्व पुराणा पार्लमेंटर केन्द्रीय कक्ष में एकाठी होते सदस्य अनेकों पर भावप्रवणतार समय थी। आज पुराणा गृह को शेष संबोधन करते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। पुराणा पार्लमेंटर नाम संविधान भवन करते जहाँ को गृहर समस्त सदस्य समर्थन भी करते। केन्द्रीय कक्ष में सदस्य एकाठी फटो उठाई गृह में शासक और विरोधी सदस्यों पाख को जाए प्रधानमंत्री नुआ पार्लमेंट को जवा लगी कही आगे आगे प्रधानमंत्री प्रतिरक्षा मंत्री चली थे पचरे अन्य सदस्य मैंने जाते बाचस्पति लोकसभा आसन ग्रहण करने सह नुआ पार्लमेंट आरंभ होता प्रथम कार्य दिवस। लोकसभा बाचस्पति ओम बिरला संबोधन रखी थे से बड़े राज्यसभा गृह अध्यक्षता करते जगदीप धनखड़। तेज ये जो दृश्य आप देखुं नुआ पार्लमेंट संबोधन बेल दृश्य आप देखुं यहाँ भितर So this function, which has been an adoption of our constitution by the constitutional तेरे महिला संरक्षण बिल उपरे राजनीति आरंभ होती आम एक कहीं कौ राजनीति केमती आरंभ होती है तथ्य मध्य बुझा चेष्टा करवा ये कहु 1998 वाजपेयी सरकार लोकसभा में महिला संरक्षण बिल आगत करते मेटर किसी सहयोगी दल यह विरोध करते बिल पारित हो पार 1992 और 2003-04 पारित करने को उद्यम कर सफल हो पार्ला। वाजपेयी सरकार 2008 बिल को राज्यसभा उपस्थापन करते उपा सरकार 108 संविधान संशोधन बिल भाव आगत करते मनमोहन सिंह सरकार यह बिल 2010 बहुमत पारित होता बीजेपी वामदल और जेडीयू बिल को समर्थन करते समाजवादी पार्टी और आरजेडी बिल को विरोध करते उपा सरकार बिल को लोकसभा उपस्थापन करते करते 2014 लोकसभा भंग होगा पर आपे आपे निष्क्रिय हो जाता बिल किंतु राज्यसभा बिल एवं भी कायम रही एवं लोकसभा नुआ ढंग से बिल को उपस्थापन कर जदि लोकसभा पारित हुए राष्ट्रपति को मोड़ बाजवा पर यह आईन में परिणत हो लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा महिला 33% आसन उजोग रथम थर पर महिला संरक्षण बिल आनी एचडी देवगड़ा सरकार सेप्टेम्बर 12, 1996 उपस्थापन कर सरकार 81 संविधान संशोधन बिल भाव यह उपस्थापन करते यापर अल्पमत को चली जाता देवगड़ा सरकार 1997 पुणी थे बिल को पारित करने लगे उद्यम करते किंतु एभली स्थित पारित हो पार ना कि आज पुणी थे उपस्थापन करशा करें बिल पारित होती पारित हो बिल तेल एक बहुत बड़ गिफ्ट कहींपर महिला 33% संरक्षण 33% संरक्षण से मिल जहाँकि गणतंत्र को आहरी सुदृढ़ कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कहवा कथा नरेन्द्र मोदी का आशा तेरे नुआ संसद रे नुआ अधिवेशन एवं निश्चित भाव एक भावप्रवणतार दिन नुआ अधिवेशन मोदी सरकार का ऐतिहासिक पदक्षेप महिला संरक्षण बिल बा नारी शक्ति बंदना अधिनियम आगत हो बिल आईन में परिणत जब होती महिला को बहुत लाभ हे देखते संसदर पुरुणा इमारत है संविधान सभा पीएम मोदी कहले यार गरिमा कम होबनी नुआ संसद रे आमे भविष्यतर श्री गणेश करिवु सेपटे नुआ संसद रे ऐतिहासिक निष्पत्ति महिला संरक्षण बिल नारी शक्ति बंदना आगत काली हेबो चर्चा नुआ संसद रे नुआ अधिवेशन नुआ अधिवेशन रे मोदी सरकार का ऐतिहासिक पदक्षेप महिला संरक्षण बिल बा नारी शक्ति वंदना अधिनियम आगत नुआ संसद भवन रे लोकसभा प्रथम बैठक रे केंद्र आईन मंत्री अर्जुन राम मेघवाल लोकसभा रे एही बिल आगत करिसेंती कहिसेंती
लोकसभा और विधानसभा महिला लगी 33% संरक्षण मिल किंतु राज्यसभा कि विधान परिषद आईन लागू होबनी। बुधवार दिन यह बिल उपर चर्चा यही बिल पारित हेले लोकसभा महिला सदस्य संख्या 181 हेबो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला संरक्षण बिल को नारी शक्ति वंदना अधिनियम ना देछंती। पीएम मोदी कहिछंती यह द्वारा गणतंत्र मजबूत हेबो आउ गणतंत्र रे महिला को भागीदारी बढ़िबो। सोमवार दिन कैबिनेट रे बिल को मंजूरी मिलिछि। हमारी सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया। कल ही कैबिनेट में महिला आरक्षण वाला जो विधेयक है उसको मंजूरी दी गई है। हमारी सरकार आज एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रही है। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले द कॉन्स्टिट्यूशन 128 अमेंडमेंट बिल 2023 यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को सदन में पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। केंद्र आईन मंत्री अर्जुन राम मेघवाल लोकसभा रे महिला संरक्षण बिल को आगत करिवा परे बिल रो स्वरूप मध्य सामना को आसी। महिला संरक्षण बिल रे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग पर एक तृतीयांश संरक्षण व्यवस्था रही किंतु पछुआ वर्ग महिला कौन सी संरक्षण व्यवस्था ना। बुधवार दिन यह बिल उपर चर्चा पर राज्यसभा बिल को आगत होनापड़ी बिल पारित हो आईन मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। खूब शीघ्र लागू हो आईन अनेक सांसद यह बिल को स्वागत बीएसपी नेत्री मायावती यहाँ स्वागत करता बेले समाजवादी पार्टी असंतोष प्रकाश कर संरक्षण ओबीसी महिला को बाद दि जा समाजवादी पार्टी असंतोष प्रकाश कर महिला संरक्षण बिल रे ओबीसी महिला को मध्य स्थान देवाक समाजवादी पार्टी दाबी करिछि। सेहिपरि कांग्रेस अध्यक्ष तथा राज्यसभा विरोधी दल नेता मल्लिकार्जुन खड़गे महिला संरक्षण बिल रे पछुआ वर्ग ओबीसी महिला को सामिल करने को दाबी करिछन्ति। कहिछन्ति महिला संरक्षण बिल रे ओबीसी महिला को मध्य स्थान दिया जिबा दरकार। अनलेस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1/3 बैकवर्ड को देने का अगर नहीं होता तो नेचुरली वहाँ के महिलाओं को नहीं मिलता। और अगर वो अगर आप नहीं करेंगे तो सिर्फ उन बैकवर्ड क्लासेस को अन्याय होगा। क्यों अन्याय होगा कि चुन चुन के लोग ऐसा करते हैं हमेशा लेडीज के लिए यानी बैकवर्ड क्लास के लेडीज में शेड्यूल कास्ट लेडीज में उतने पढ़े लिखे नहीं है। वर्तमान केंद्र की सरकार द्वारा आज लाए जा रहे महिला आरक्षण बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। समाजवादी पार्टी ने हमेशा समर्थन किया है लेकिन हम सभी चाहते हैं कि ओबीसी महिलाओं का भी इसमें आरक्षण निर्धारित हो। सेपटे आम आदमी पार्टी यही बिल को कड़ा विरोध कर बिल महिला संरक्षण पर नुहे बर महिला को बोका बनाने मोदी सरकार चाल कर महिला संरक्षण बिल एक निर्वाचन जुमला केन्द्र सरकार एजाए 2021 मसीहार जनगणना करना जनगणना करने ही बिल लागू हो पार। आम आदमी पार्टी नेत्री आतिश प्रेस मीट कर प्रतिक्रिया रखिंट। देखिए जब ये खबर आई कि महिला आरक्षण बिल संसद में लाया जा रहा है तो आम आदमी पार्टी ने उसका समर्थन किया और हमने स्पष्ट तौर पर कहा कि सैद्धांतिक तौर पे हम संसद में भी विधानसभाओं में भी महिलाओं को आरक्षण मिले उसका हम समर्थन करते हैं। लेकिन जब हमने ये बिल पढ़ा तो फिर पता चला कि 2024 के चुनाव में तो आरक्षण आ ही नहीं रहा है।
बिल में लिखा है कि पहले ये बिल पास होगा, उसके बाद जनगणना होगी, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद महिलाओं का आरक्षण लागू होगा। इसका मतलब कम से कम 3-4 साल लगेंगे, जिससे पहले ये बिल लागू नहीं होने वाला। तबे महिला संरक्षण बिल रे केवल एससी एसटी संरक्षण, किंतु पछुआ वर्ग बाद पड़ा घटना को नहीं विवाद उठी। पूर्वरु मध्य संरक्षण भितरे ओबीसी महिला को पई संरक्षण दाबी नहीं समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल भली किछि दल खोला खोली दाबी करि आसछन्ती। प्रथम थर लागि महिला संरक्षण बिल 1996 देवगौड़ सरकार आगत होइथिला। यहाँ पर 1998, 1999 एवं 2010 रे एही बिल आगत होइथिले मध्ये सफल होइ पारि नथिला। 2010 रे एही बिल राज्यसभा रे पारित होइथिले मध्ये लोकसभा रे पारित होइ पारि नथिला। किंतु मोदी सरकार एथर बिल को लोकसभा रे पारित करबा परे राज्यसभा रे पारित करबा को जोर लगाई छथि। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 7। तबे आगको सीजन महिला संरक्षण बिल को नहीं केमिति उपस्थापना होउची एक नजर रहइबो, एवं तापरे बिल को जदि ठीक ठाक सब होउची तल बिल जदि पारित होउची तल 33% संरक्षण ए सब फाइनल हेतै।